अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए व्हाट नेक्स्ट चैनल को। सब्सक्राइब करने के लिए मोबाइल यूजर्स व्हाट नेक्स्ट चैनल पे जाए और वहाँ पे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करे और फिर बेल आइकन को दबाए, और डेस्कटॉप यूजर्स यूट्यूब में व्हाट नेक्स्ट चैनल पे जाए, वहाँ सब्सक्राइब बटन को क्लिक करे, फिर सेंड मी नोटिफिकेशंस को चेक करके सेव कर दे और चैनल में आने वाले सभी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस पाते रहे। हेलो दोस्तों, मैं विभास आपका स्वागत करता हूँ व्हाट नेक्स्ट पे। आज हम लोग जिस स्मार्टफोन के बारे में बात करेंगे वो लॉन्च हुआ है माइक्रोमैक्स कंपनी की तरफ से। इस फोन का नाम रखा गया है माइक्रोमैक्स भारत 2। माइक्रोमैक्स भारत 2 में जो डिस्प्ले दिया गया है वो 4 इंच का कैपेसिटिव डिस्प्ले है। प्रोसेसर जो इस फोन में दिया गया है वो है स्प्रेडटर्म SC9832 का एक क्वाडकोर प्रोसेसर जिसका क्लॉक स्पीड है 1.3 GHz का। अगर मेमोरी को देख लिया जाए तो इस फोन में दिया गया है 512 MB का रैम और इंटरनल स्टोरेज इस फोन का है 4 GB का, और आप इस कैपेसिटी को एक्सपेंड कर सकते हैं 32 GB तक एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड के साथ। फोन में तो कैमरा दिया गया है, रियर कैमरा जिस फोन में दिया गया है वो एक 2 MP का कैमरा है, और फ्रंट में इस फोन में एक DJI कैमरा दिया गया है। रियर कैमरा के साथ ही एक LED फ्लैश भी दिया गया है इस फोन में। फोन में जो बैटरी दिया गया है वो एक 1300 mAh का लिथियम आयन बैटरी है। फोन में एक ग्रेविटी सेंसर भी दिया गया है। अगर सिम स्लॉट को देख लिया जाए तो ये फोन एक डुअल सिम स्लॉट वाला फोन है जिसमें आप एक माइक्रो सिम और एक नॉर्मल सिम यूज कर सकते हैं। कनेक्टिविटी में आपको इस फोन में मिलेगा 4G VoLTE का कनेक्टिविटी। इसके अलावा इस फोन में वाईफाई और ब्लूटूथ का कनेक्टिविटी भी दिया गया है। फोन में जो OS दिया गया है वो है Android 6 Marshmallow का। अगर कलर को देख लिया जाए तो ये फोन अभी मार्केट पे लॉन्च हुआ है सिर्फ एक ही कलर वेरिएंट में जिसका कलर है गोल्ड। इस फोन के प्राइस को अभी तक कंपनी ने डिस्क्लोज नहीं किया है, लेकिन फोन के स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि फोन का प्राइस रहेगा लगभग 3000 रुपीज के आसपास। अगर इस फोन के बेस्ट फीचर्स को देख लिया जाए तो वो डिपेंड करता है इस फोन के प्राइस के ऊपर। अगर फोन का प्राइस 3000 रुपीज के आसपास रहा तो सभी स्पेसिफिकेशंस इस फोन के हिसाब से बढ़िया है, और अगर इस फोन के वर्स्ट फीचर को देख लिया जाए तो वो भी डिपेंड करेगा इस फोन के प्राइस के ऊपर। अगर इस फोन का प्राइस 4000 रुपीज से ऊपर गया तो इस फोन के सभी स्पेसिफिकेशंस बेकार है, सभी वर्स्ट है। तो दोस्तों, ये था स्पेसिफिकेशंस ऑफ माइक्रोमैक्स भारत 2 का। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, कमेंट ऑन दिस वीडियो, और प्लीज अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और फ्यूचर में अगर आप ऐसी वीडियोस के और अपडेट्स पाना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें व्हाट नेक्स्ट को। मैं आपको अपडेट्स देता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।